की जय कर हमारे शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जैसे आपने देखा होगा हम लास्ट ब्लॉक पे पहुंच गए हैं कटरा, रूम हमने ले लिया, रेडी हो गए हैं नए कपड़े के साथ। भाई का हैप्पी बर्थडे है, विश कर देना। माता रानी ने बुलाया अपने बच्चे को दरबार में, बर्थडे वाला दिन तो बहुत बड़ी बात है। कौन सा बर्थडे? फर्स्ट बर्थडे बना था, फर्स्ट बर्थडे भाई बना था, 18th बर्थडे भी बना, फिर 20th बर्थडे भी वही बन रहा है। तो भाई देख लो, अब पिछली यात्रा हम पूरी कवर करते हैं, पीछे माँ का भवन दिख रहा है, अब यात्रा अपनी स्टार्ट करते हैं। और आप स्टे ट्यून्ड रहना, आपको सारी ए टू जेड इसमें आपको अपडेट्स मिल जाएंगे यात्रा के बारे में, और सारा आपको एंजॉय करते हुए चलेंगे। आपको घर बैठे हुए लगेगा कि आप भी यात्रा एंजॉय कर रहे हो। कमेंट में लिख दो जय माता दी, जय जय माता दी। भाई चालू करने से पहले हम खा रहे हैं न्यूट्री कुलचा, तो भाई का फेवरेट है, यहाँ का फेमस, मेरा भी फेवरेट है। पटनी टॉप पर भी मैंने दबा के खाया था, पिछली बार कटरा में भी दबा के खाया था। न्यूट्री कुलचा जरूर खाना, तो आप इसको खाते हैं फिर अपनी चढ़ाई चालू करते हैं। सुजी निकल पड़े हैं माँ की यात्रा पे, तीन तीन कुलचे खा लिया भाई, एक खाने की जगह तीन खा लिया, खीर खा लिया, तीन कुलचे खा लिए, तीन और खीर, खीर भी खा ली है। अब बस माता रानी के रास्ते पे चल रहे हैं, अब सीधा द्वार पे, द्वार पे पहले द्वार पे, अब सीधा चढ़ाई में बस जो पीने पाएंगे, जो पियेंगे बस सिर्फ वही, जैसे हॉट चॉकलेट वगैरह खाएंगे तो सीधा भवन पे। भवन पे पहुंच गए हैं बाण गंगा चेक पॉइंट, हमें जाना है वहां ऊपर उसके भी पीछे, अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। जय माता दी, आप कमेंट कर दो, आप सबको साथ लेकर चलते हैं। यात्रा हो गई स्टार्ट, सिक्योरिटी चेक डन, अब यहां से चलेंगे सीधा जय माता दी। जी हम आ गए बाण गंगा, ये सेकंड घाट है जो ऊपर आता है थोड़ा टॉप पे, तो आइए चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं बाण गंगा। ये सारी है बाण गंगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा माँ का जल है, जो माँ ने हनुमान जी के लिए निकाला था, उनको पानी पीना था, उनके लिए ये बाण गंगा प्रकट हुई थी, और उन्होंने अपने केश भी माँ ने उसमें धोए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा बाण गंगा। तो बोलिए जय माता दी। हम मुँह हाथ धोते हैं, मतलब हाथ मुँह धोते हैं और फिर निकलते हैं माँ की यात्रा पर। माता दी जी, ये जो आपको ट्रैक से मंदिर सामने वाले पहाड़ी पे दिखता है, इसकी भी एक स्टोरी है। ये पहले बनने वाला था, इसकी कई स्टोरी हैं। इसमें ये कहा जाता है कि नाग देवता का मंदिर, शिव जी का मंदिर है, तो इससे बहुत सारे सांप आ गए थे, तो इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। बट रियल इशू ये है, जो अभी रिसेंटली वीडियो में देखा था, कि इस पर केस चल रहा है, तो साइन बोर्ड लड़ रहा है और बहुत जल्दी जीतेगा और ये मंदिर ज़रूर बनेगा। जय माता दी। पहुंच गए माँ के दरबार चरण पादुका, जय माता, गणपति बाबा मोरिया, बजरंग बली, जय हो, जय हो शैलपुत्री माता, जय ब्रह्मचारिणी माता, जय माता दी, चंद्रकटा, कुष्मांडा, जय माता, कात्यायनी, जय माँ कालरात्रि, जय मां महागौरी, आपके पहला पड़ाव हो चुका है चरण पादुका मंदिर। जय माता, अब चलते हैं आगे। जय माता दी। तो हम चरण पादुका से भाई बहुत ऊपर आ गए हैं, वो रहा सारा कटरा शहर। जी जय माता दी, सबको शर्ट वगैरह सब उतर चुकी है, बहुत गर्मी है। हमने एक डंडा लिया था नीचे से, एक ही लिया था हमने, आधा आधा यूज़ करा। जब बैग पकड़ते हैं चरण पादुका में दर्शन करने के, अंदर पहले मैं गया, फिर भाई बाहर खड़ा था शूज़ के पास, फिर भाई गए, मैं शूज़ पहन रहा था, एक आंटी आई, वो बोलने लगी मेरा है, मेरा है, इस पर ये मार्क लगा हुआ, साइड में खड़ा हूँ। मैंने कहा आंटी कोई नहीं, बहस क्या करनी, ले लो। बाकी माता ने लिखा होगा कि आंटी का। फिर हमने कहा दो लेंगे, फिर भाई कहता, मना कर रहा था भाई शुरू से, फिर भाई कहता कि माता रानी कह रही है हम बिना डंडे के आए, अब हम बिना डंडे के कर रहे हैं। जय माता दी। 3 किलोमीटर आ गया तीन। तो जी ट्रैक पे ऐसी मोड़ दिख गया हमें, अभी हम कर रहे हैं रेस्ट, पानी ब्रेक, हालत गुड।
लेकिन हम करके दिखाएंगे। दो किलोमीटर रह गए हैं, दो किलोमीटर भी रहता होगा। नॉन स्टॉप चलते हैं, ज़्यादा ब्रेक नहीं है, छोटा मोटा ही पाँच मिनट में ही, दो मिनट नहीं बस। आप पहली बार थोड़ा बैठा। माँ भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी। माता दी हिमकोटी मार्ग का रास्ता आ गया है, हाथी मद्दा वाला इधर वे टू अदकारी। मुश्किल से 200-300 मीटर बचा होगा, तो बहुत खुशी हो रही है। जय माता दी बोलते हुए जाते जा रहे हैं। आप सभी साथ नीचे लिखिए जय माता दी जी। हम पहुँच गए अदकारी। वैसे हमने हिमकोटी वाले मार्ग से जाना था, बट अभी अदकुआरी जाना था तो फिर अर्थकुआरी से आ गए हैं। हाँ जी, ये प्रांच का मन था, मैं तो उसको मना कर रहा हूँ। नहीं, मन मेरा भी नहीं है, दर्शन कराने हैं वो अपने घर वाले को, इसलिए आए हैं। दर्शन करा के फिर हम हिमकोटी वाले मार्ग से जाएंगे। हाँ जी, फिर 6 बजे की आरती आपको वही दिखाएगा भवन पे। जय अगर माता चाहेगी तो 6 बजे के दर्शन हम वही करेंगे भवन पे। लाइन से यहाँ पे सागर रत्न भी है, आगे बीकानेर वाला भी है, मैकडी भी है, और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे सब कुछ लंच डिनर सब मिल जाएगा। आप अपने पहला जो लास्ट ईयर जब मैं आया था तो ताराकोट वाले मार्ग पे मैंने मैकडी खाया था, वो 3 महीने हुए थे उसको खुले हुए, और आज यहाँ पे खुल गया और भवन पे भी खुली है। सो अब आइए देखते हैं कहाँ चलते हैं। ये वाले मैकडी हुए यहाँ पे सीटिंग नहीं है, ओनली टेक अवे है, और जो ताराकोट वाला मार्ग वाला है उस पर आप आपकी सीटिंग भी अवेलेबल है। साइड में वाला है, इसमें ओनली कलेक्ट है नो सीटिंग। सीटिंग आपको सिर्फ आगे मिलेगी, आगे जो नॉर्मल बनाने हैं और सागर रत्न भी सेटिंग है। सागर रत्न भी सेटिंग है। तो ये रहा पूरा अदकुआरी। बहुत देर से कैमरा नहीं उठाया, सिर्फ माँ का नाम लेते हुए चढ़ते जा रहे हैं और आपको व्यू दिखाते हैं। अब आगे हम भवन, यहाँ से मेरे हिसाब से सिर्फ 1.15 किलोमीटर रह गए और ये हमें भवन बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है। अब आपको दिखाते हैं व्यू, मैजिकल व्यू। जो आप 14 किलोमीटर करके आते हो, 14 भी हुआ नहीं, 13 कुछ हुआ होगा, उसके बाद जो व्यू दिखता है उसके बाद मतलब आई है ना, और सारी आपकी थकान उतर गई। देखो गाइस, भवन फाइनली पहुंच गए। जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता दी। तो अब हमारे पास यार भी पहन लेते हैं, अभी सर पहन रहे हैं। अरे क्या ही पहन कर। जोर से बोलो जय माता दी। तो भाई हमने बैंड पहन ली है, पहुंच गए माँ के दरबार 6 बजे से पहले। हाँ, हम जल्दी से आ गए, मतलब तेजी में आए हैं। और लेकिन वो लॉकर की लाइन में लगे हुए थे तो उसके चक्कर में लेट हो गए। अब आरती चल रही है, 7:30 बजे दर्शन स्टार्ट होंगे, तो 7:30 तक प्रसाद ले लिया हमने। प्रसाद ले लिया गाइस, अंदर माता पे चढ़ाने के लिए। हाँ जी, इसमें एक नारियल है। ये कितना प्राइस है सर इसका? ये 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ का प्राइस है, इसमें नारियल है। नारियल, ठीक है। और यहीं पर जो भेंट काउंटर होते हैं ना, भेंट शॉप, वहाँ से आप ले सकते हैं। और जो हमारा वो है लॉकर, हमने वो लिया है पार्वती भवन। दिखाते पार्वती भवन अभी नया बना है। यहाँ पे आप लॉकर, नहाने धोने की सुविधा वगैरह इसमें अवेलेबल है। रूम्स नहीं है इसमें, तो ये आप देखते हैं लॉकर है इसमें। और ये इसके साथ एक बैंड मिलता है। ये बेसिकली आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ सिक्योरिटी देनी होती है और जो रिफंड हो सकती है। 100 रुपीज़ सिक्योरिटी है हमने दी है और वो रिफंड हो जाएगी जब हम लेंगे वापस। तो आप चलते हैं भवन। थोड़ा माँ को करीब से देखें, ये जगह बहुत ज़्यादा मतलब घर जैसी है, घर ही है। तो आप जाते हैं अंदर, एक तो फोटो खिंचवाते हैं क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है और सर का आज बर्थडे भी है, तो बहुत ज्यादा हैप्पी बर्थडे कमेंट लिख देना सारे आप। और जय माता दी के साथ जय माता दी। तो ये है माँ का फेमस स्काई वॉक जो अभी नवरात्रों में इनॉग्रेट हुआ था। तो यहाँ 9 देवियों का पूरा माँ का स्मरण है, जैसे वो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4 इधर 5 इधर 4 इधर, और बहुत सुंदर बना हुआ है। और आगे पूरा पाथ है जहाँ पे आपको फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी, बैठने की, वॉशरूम वगैरह सब अंदर ही है। तो जी दर्शन हमारे हो गए, 2 घंटे लगे। क्या दर्शन हुए हैं, मैं तुमको बहुत क्या बताऊँ, बहुत मजा आ गया। और फिर हमने खाना भी खा लिया, बहुत जल्दी थी, मतलब बहुत भूख लग रही थी, तो छोटा सा ही छूट गया आपको दिखाया। दाल मखनी और शाही पनीर खा लिया और अब भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं ऊपर। जय भैरव बाबा की। और ठंड बहुत हो गई है, ठंड पता नहीं भाई को क्यों नहीं लग रही है, लेकिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। भाई मेरे को एक्साइटमेंट है, अभी एक्साइटमेंट है। देखो ये है कि रात को 12 बजे से पहले मेरे को भैरव बाबा कवर करना है। चलो फिर फटाफट चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। पहुँच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर। बहुत सारा मेहनत के बाद, स्पेशल थैंक्स टू माई ब्रदर दिवेश सप्रा,
मतलब उसकी जो एक्साइटमेंट है वही आज मुझे लगता है हमें यहाँ तक ले आई, क्योंकि मेरे को थोड़ी मेरे को थोड़ी चोट लग गई थी भवन पे, तो मेरे थोड़ा हेडेक भी हो रहा था, थोड़ा फीवर टाइप फील हो रहा था, लेकिन फिर उसने भी हिम्मत दी कि भाई चल चल चल। और मुझे भी याद आया यार, मैं पिछली दो बारी से भैरव बाबा के मंदिर में आ ही नहीं पाया था, मैं लास्ट बार ही आया था तो थंडर स्टॉर्म चल रहे थे, मतलब स्नोफॉल हुई थी, वो व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखना, मैं नीचे डाल दूंगा। तो उस टाइम पंडित जी ने ऊपर मना कर दिया था भवन से कि भैरव बाबा बहुत मौसम ख़राब है, वापस चले जाओ। और लास्ट टू लास्ट ईयर मैं आ ही नहीं पाया था, लास्ट टू लास्ट ईयर हमारी शायद ट्रेन थी या कुछ था, तो मुझे नीचे जाना पड़ा था। तो आज स्पेशल थैंक्स दिवित भाई की वजह से मैं आ गया। तो आइए चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर। दर्शन हो गए कंप्लीट, भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए कंप्लीट। थोड़ी देर जो भैरव बाबा की है ना बालकनी, यहाँ से भवन का डायरेक्ट व्यू आता है, वो आपने देखा होगा, वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं। वो कटरा की होता है सोहन जी, अपनी यात्रा हो गई है खत्म। तो हरन जी सर हैप्पी बर्थडे, खत्म हो गया। लेकिन भाई ने जो टारगेट रखा था हमारा वो पूरा कंप्लीट हो गया, और भाई की वजह से मेरी भी यात्रा अच्छे से हो गई। यस गाइस, अरे वो बेसिकली माता रानी ने बोल रखा था कि हमने यात्रा करनी है, तो यात्रा पूरी हो गई, मतलब 11:50 पे हमारी संपूर्ण यात्रा पूरी खत्म हो गई है। अब हम जस्ट अभी बज रहे 12:13, अब हम नीचे उतरेंगे शादी सत्तर रस्ते से। अब हम जाएंगे अर्थ कुंवारी, पहले अर्थ कुंवारी होते हुए फिर हम जाएंगे अपने होटल में। और हमारा प्लान था कल अमृतसर जाने का, जो कि अब कैंसिल हो गया यार, कैंसिल हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई। कोई दिक्कत नहीं, तो अब हम जा रहे हैं कल वापस दिल्ली की कोशिश है अपनी पूरी। हाँ जी, अभी दिल्ली की भी कोई टिकट बुक नहीं है, वो देखते हैं कि कल कैसे जाते हैं। वो आपको देखना हो तो वो कार डालो यार उसका, चलो कोई कोशिश कर दो, शॉर्ट डाल दूंगा। हाँ, उसका शॉर्ट डालेंगे, लेकिन होप करता हूं आपको दोनों वीडियो अच्छी लगी होंगी। तब तक अभी सस्पेंस में रहो, कैसे आते हैं, कैसे आना कल ही है, देखते हैं कल कैसे आते हैं। चलो जी, जय माता दी, जय भैरव बाबा की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, नीचे जय माता दी कमेंट जरूर कर देना, और भाई को विश मैं होप करता हूँ आप सबने करा ही होगा हैप्पी बर्थडे, एंड जय माता दी कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो चलिए खत्म कर दें, ये देख लो ये पूरा कटरा शहर। वेलकम बैक टू बटोलट, मैं अंशु, होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छी कर रहे होंगे। तो आज अपना लास्ट डे है माँ के दरबार में, तो कल थोड़ी तबीयत भी डाउन है, तो अभी थोड़ा एनर्जी लो लग रही होगी। तो आज मैं आया हूँ जगन स्वीट्स, यहाँ पे पूड़ी मिलती है ना, आलू पूड़ी है, मतलब छोले पूड़ी है, और ये पूड़ी वैसे भटूरे टाइप होती है, तो अब वो ट्राई करने वाले हैं, वो ट्राई करके देखो। अब ये देखते हैं, और आगे इतनी हैवी पूरी आई है, तो अभी भटूरे है, पहले हमने एक ही प्लेट ली है कि मेरे से एक ज्यादा ना खाया जाए, मेरा भी थोड़ा तबीयत डाउन है। चलो मैं अब खा के आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। सही पूरी थी, मजा आ गया। एक पूरी मतलब 60 की है, मतलब प्लेट लोगे 120, लेकिन दो एक एक प्लेट खाई, मजा आ गया। और मिनट मेट जो मैं यही पीता हूँ, और मैं नींबू पानी वाली पी थी, भाई ने लिया पल्पी ऑरेंज, ठीक है डाइजेस्ट हो जाएगा यार। आप चलते हैं आगे, ये खा के जरूर ट्राई करना न्यूटेला बेरी प्लस कमेंटर्स का, मेन कटरा चौक पे ही है। सोहन जी, आज नेक्स्ट डे, कल हमारी यात्रा हो गई कंप्लीट, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो आज हम जा रहे हैं श्री शक्ति एक्सप्रेस से अपने घर, तो होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर से बोल रहा हूँ जय माता दी कमेंट्स में लिख देना सारे। और अब मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे अंकल आए थे, अंकल नेक्स्ट डे आए थे, अब मैं उनके साथ जा रहा हूँ, तो आइए आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा, और आपको लास्ट बार माँ के दर्शन कराया था, पीछे डायरेक्ट कटरा स्टेशन से माँ का भवन डायरेक्ट दिखा। जय माता दी, वो देखो माँ का भवन सामने। कल वहाँ से उतरते हुए आ रहे थे नीचे नीचे नीचे, बहुत थक गए थे, शूट तो किया ही नहीं, हमें जल्दी थी क्योंकि नीचे उतरना है फटाफट आके रश करना है, बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन माँ ने यात्रा सफल करवाई। ऐसी माँ अगले साल जल्दी बुलाए, अगले साल क्या, जब साल में दो बार बुलाए, तो ऐसे ही माँ अगली बार जल्दी बुलाए, होप करता हूँ। और अब चलते हैं, आपको मिलवाता हूँ अपने पूरे ग्रुप से। हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट शिव शक्ति एक्सप्रेस, माँ का भवन जब बना था, माँ के भवन का रेलवे स्टेशन, तो ये पहली ट्रेन थी और पहली बारी में आया था, मुझे आज भी याद है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्री शक्ति एक्सप्रेस। इस ट्रेन के लिए भी एक अलग ही जगह है दिल में, और इस बार सोचा नहीं था इसमें आ जाएंगे, फिर माँ का बुलावा आपको पता ही है कि माँ ने भेजना भी सिर्फ से उसमें था जिसमें हमें पसंद था, तो
इसकी भी आपको खासियत बताऊँ, ये सबसे कम स्टेशन पे रुकती है, 6-7 स्टेशन पे रुकती है, मेन मेन जो मेन सिटीज आती हैं बीच में, लुधियाना, जलंधर, अम्बाला, तो उन सब पे रुक के चलती है ये। अगर आपको ट्रेन की टिकट ना मिले वंदे भारत की, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, संपर्क क्रांति, वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी शायद 6-7 स्टेशन पे रुकती है सेम, उसका टाइमिंग सबका अलग अलग है। ये 5 बजे चलती है, सुबह 5 बजे उतारती है, संपर्क क्रांति 8:55 चलती है सुबह, 7:55 के आसपास उतारती है, हमारी लेट थी 1.5 घंटे, तो ये सब है सारा बढ़िया। और वंदे भारत मैं प्रेफर इसलिए थोड़ी नहीं करता क्योंकि पापा का रात को ऑफिस होता है, तो एक दिन मिस नहीं होता, जैसे फ्राइडे हमें आना है वीकेंड पे, फ्राइडे पापा ऑफिस से आ गए, तो जिनके ऑफिस है वो रात को ये वाली ट्रेन ले सकते हैं, 5 बजे आपका ऑफिस भी हो जाएगा और डे भी मिस नहीं होगा। लेकिन अगली बार ज़रूर कोशिश करूँगा कि अपना वंदे भारत में आऊँ या डायरेक्ट फ्लाइट से आऊँ, फ्लाइट भी एक बार एक्सपीरियंस करने का मेरा मन है कि जम्मू तक आऊँ सीधा, फिर टैक्सी से माघे भवन, और जाती बार अपने ट्रेन से ही जाऊँ। तो और कोई भी क्वेरी हो आपको ट्रेन से रिलेटेड, वो सब मुझे बता देना, आप कमेंट्स में कर देना या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा इजीली। कोई भी आपको अगर ट्रिप की आइटनरी बनवानी हो माँ वैष्णो देवी की, वो भी मैं कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। आपको सारी जगह सजेस्ट करनी हो, जितनी मेरे को सारी पता है, मेन मेन सब पता है, वो सारी मैं आपको बता दूंगा। तो ज़रूर कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपका भाई आपके साथ। तो जी ये रहा अपना पूरा ग्रुप, ये जय माता दी। तो भाई अंकल ना एक दिन बाद आए थे इसलिए हम दोनों अकेले थे, अगली बार हम सारे एक साथ आएंगे, क्यों अंकल? जय माता दी।